हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल छजलाना किचन रेसिपीज़। तो आज हम बनाएंगे टेस्टी टमाटो सूप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ 3 मीडियम साइज़ टमाटोज़ लिए हैं एंड यहाँ पे 3 और 4 मैंने हरी मिर्च ली है एंड हाफ टेबल स्पून मैंने बटर लिया है एंड ये मैंने सौंफ ली है जो हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छी। आधा चम्मच मैंने यहाँ कस्तूरी मेथी ली है, 7 से 8 कलियाँ मैंने काली मिर्च की ली है और ये हमने 1 टीस्पून मैंने चीनी ली है। नमक आप स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। 1 छोटा तेज़पत्ता लिया है एंड 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे मैदा लिया है और 1 कप वाटर। तो चलिए अब हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। टमाटर को बड़े टुकड़े में काटें और हरी मिर्च को छोटे टुकड़े में काटें। एक पैन लें और उसमें जो 1 कप वाटर मैंने रखा था उसे ऐड करें। 1 कप वाटर ऐड करने के बाद इसमें टमाटर डालें जो हमने काटे थे और हरी मिर्च डालें और जो छोटा तेज पत्ता था वो इसमें ऐड करें और काली मिर्च जो 7 से 8 कली हमने काली मिर्च की रखी थी वो डालें और नमक स्वाद अनुसार डालें। जितने परसेंट्स का आप पर पर्सन बना रहे हैं उनके अकॉर्डिंग आप स्वाद अनुसार नमक डालें। फिर उसमें कस्तूरी मेथी और सौंठ डालें और फिर इसे जब तक पकने दें जब तक कि हमारे टमाटोज नरम ना हो जाए। इसे ढक के अच्छे से पकाएं। एक बार इसे बीच में चला लें और फिर उसे 7 से 8 मिनट तक पकने दें और इसके ढक के पकाएं। अब हमारे टमाटोज हल्के हल्के पक गए हैं, इसे अभी थोड़ा और पकने दें और गैस मीडियम फ्लेम पे रख के इन्हें अच्छे से पकाएं। जब टमाटोज नरम हो जाए तो आप गैस बंद कर दें और उसको कुछ मिनट के लिए ठंडा होने दें। जब तक हमारे टमाटोज ठंडे हो रहे हैं तब हम अपने सूप का बैटर दूसरी तरफ तैयार कर लेते हैं। तो पहले हमें इसमें 1 टेबल स्पून बटर गरम होने देना है। तो अब मैं इसमें 1.5 टेबल स्पून बटर डाल रही हूँ। आप इसे थोड़ा मेल्ट होने दें फिर हम इसमें मैदा डालेंगे। ये मैं इसमें मैदा ऐड कर रही हूँ और अब हम इसे अच्छे से चलाएंगे। और इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से कुक्ड होने दें। जब ये अच्छे से भुन जाए तो आप इसे गैस को ऑफ कर दें। जब हमारे टमाटर ठंडे हो जाए तो हमें इसका तेज पत्ता निकाल के इसकी प्योरी बना लेंगे। इसमें ऐड कर दें सब और इसको प्योरी बनानी है। अब हम इस सूप को उस बैटर में डालेंगे जो हमने अभी बनाया था। हम इसे धीरे धीरे इसमें ऐड करेंगे। और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे जब तक चलाते रहेंगे जब तक इसमें गाँठे ना बने। अब इसमें हम 1/2 कप वाटर ऐड करेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 मिनट तक अच्छे से पकने देंगे। इसमें बस आप गुठलियाँ ना पड़ने दें। जो भी ये गुठली है इसको अच्छे से प्रेस कर करके इसे अच्छे से मिलाएं। अब हमारे सूप में सभी गाँठे ख़त्म हो गए तो अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे।
से मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पकने दे। हमारा टमाटो सूप रेडी है, तो आप इस रेसिपी को खुद घर पे ट्राई कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इंजॉय कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।